हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 12 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saraagyan.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करके आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे साल 2019 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इस मैगजीन को खरीद सकते हैं। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि फुल डिटेल में दिए हुए हैं। दूसरी मैगजीन है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज, यानी कि सारी योजनाएं एक साथ, सारे पुरस्कार एक साथ, खेल से संबंधित क्वेश्चन एक साथ, सारी नियुक्तियां, चर्चित महिलाएं, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड 2019 में पहली बार क्या हुआ, फार्मूला 1, समिट, सम्मेलन, पुस्तकें, सूचकांक के सारे क्वेश्चन आपको इस मैगजीन में मिल जाएंगे। आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपको इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस मेल आई डी पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये भारत में जितने भी साइबर अपराध से रिलेटेड जुड़े मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व करेगा। साथ ही साथ भारत में साइबर अपराध से रिलेटेड एक नोडल सेंटर के तौर पर कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। गृह मंत्री अमित शाह की कंस्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात, और जो गांधीनगर जिला है गुजरात का, ये गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब किसने लॉन्च किया है? तो जो पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड प्लांट होगा, इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने भारतीय उद्योग संघ के साथ मिलकर पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनका विकास हो, साथ ही साथ वहाँ पर नौकरियाँ हो सकें। भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की ब्रांड एम्बेसडर हैं बक्सर एमसी मैरी कॉम। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टोटल 8 राज्य आते हैं, कौन कौन से? सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब आपको इन 8 राज्यों की राजधानियाँ पता होनी चाहिए। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की राजधानी है शिलांग, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजवाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अगर हम इन 8 राज्यों में से एक राज्य जिसका नाम है सिक्किम, इसको हम अगर निकाल दें तो बाकी के जो 7 राज्य बचे, इसको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 7 बहन राज्य किसे बोला जाता है या 7 सिस्टर स्टेट्स किसे बोला जाता है। तो उत्तर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन 7 राज्यों को मिला के कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो जो माई एप्स एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। माई एप्स एप्लीकेशन के अलावा HDFC बैंक के अन्य सारे ऐप हैं, जैसे माई सोसाइटी, माई क्लब, माई प्रेयर, माई सिटी। ये सारे के सारे जो ऐप हैं HDFC बैंक के ऐप हैं। जो HDFC बैंक है, ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। HDFC जो बैंक है, भारत का पहला बैंक बना है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण जो है $100 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गया है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने RBBG यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी नामक एक स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जो 10,000 रुपये से अधिक नगद ATM निकासी होगी, इसके लिए अब OTP वेरिफिकेशन फीचर शुरू किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने के लिए मनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है? तो हाल ही में भारत के 3 रेलवे स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। ये 3 स्टेशन कौन कौन से हैं? भुसावल और मांडवाड़ महाराष्ट्र तथा बेंगलुरु कर्नाटक। इन 3 रेलवे स्टेशन पर AI बेस्ड फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। जो भुसावल और मांडवाड़ रेलवे स्टेशन है ये महाराष्ट्र में है, जबकि बेंगलुरु रेलवे स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है। फेसियल AI बेस्ड फेसियल टेक्नोलॉजी क्या होगी? तो इसका उद्देश्य ये होगा, जो रेलवे स्टेशन पर अपराध होते हैं उनको कम करना, साथ ही साथ उस अपराधी को जल्द से पकड़ा जा सके, इसीलिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी शुरू की गई है मांडवान, भुसावल और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में रेलवे ने हैदराबाद शहर में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना की है। भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर राजस्थान का। हाल ही में ईट राइट स्टेशन टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाल ही में जो भारतीय रेलवे की प्रोटेक्शन संस्था थी जिसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंग्लिश में सर्विस तथा हिंदी में सेवा शब्द को ऐड किया गया है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि उद्योग मंत्री भी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, जिनका हाल ही में कार्यकाल है 1 साल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 कहाँ शुरू हुआ है? तो साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 शुरू हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसमें भागीदार राज्य यानी कि पार्टनर स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर राज्य। वर्तमान समय में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ओबैद सिद्दीकी का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि ओबैद सिद्दीकी एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और कवि थे, साथ ही साथ माइक्रोलॉजी में बायोलॉजी के एक साइंटिस्ट भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ओबैद सिद्दीकी, जो कि कवि थे साथ ही साथ साइंटिस्ट भी थे, और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के लोनावला शहर में। जो भारत का दलहन अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, तो आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर जो है ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। मैं आपको बता दूं कि मैं GK और GS के लिए एक नया चैनल बनाया हूं जिसका नाम है GS नेटवर्क। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड GK GS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में GS नेटवर्क सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अब आपको GK GS के वीडियोज़ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में डच बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी? तो जो डच बैंक है इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है इमेजिन 2013। तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है इकोनॉमी है ये 2030 तक 7 ट्रिलियन यानी कि $7 ट्रिलियन की पहुँच जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो इमेजिन 2013 रिपोर्ट्स है ये किस बैंक के द्वारा जारी की गई है? तो उत्तर होगा डच बैंक के द्वारा, जिन्होंने ये कहा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है इकोनॉमी है ये 2030 तक $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। इस रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अगले दशक में जो भारत की GDP ग्रोथ रेट है ये होगी लगभग 10%। जो ड्यूस बैंक है इसका मुख्यालय है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर जो विश्वविद्यालय है इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे इस विश्वविद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा फंडिंग मिलेगी, नए नए कोर्सेज शुरू कर सकेगा, साथ ही साथ जो यहाँ का शिक्षा का लेवल है शिक्षा का स्तर है और ऊँचा होगा। तो आपको याद रखना है हाल ही में
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कि जामनगर में स्थित है, इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। अब भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन गया है ये, जो कि IIT और IIM की श्रेणी में आ जाएगा। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, जो कि गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात राज्य ने हाल ही में ये कहा है कि हम बनाएंगे विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम होगा सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम, ये बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जो कि 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी होगी दर्शकों की 1,10,000। हाल ही में गुजरात के सुरेंद्र नगर शहर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के सुल्तान या राजा जिनका नाम था काबूस बिन सैद अल सैद का निधन हुआ है? तो जो काबूस बिन सैद अल सैद थे, ये ओमान देश के राजा थे, ओमान देश के सुल्तान थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं ओमान देश के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 1970 से लेके अब तक के ओमान देश के राजा थे, सुल्तान थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओमान देश की राजधानी है मस्कट, ओमान देश की मुद्रा है रियाल। अब आपको दो क्वेश्चन और याद रखना है ओमान से, जिनमें से पहला है, ओमान देश के साथ भारत तीन मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जिनमें से भारतीय थल सेना अल नागा नाम की, भारतीय वायुसेना ईस्टर्न ब्रिज नाम की और भारतीय नौसेना नसीर अल बसर नाम की वायुसेना मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है ओमान देश के साथ। तो ये तीन मिलिट्री एक्सरसाइज आपको याद रखना है, अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज, नसीर अल बसर, ये तीनों भारत ओमान देश के साथ करता है। इसके अलावा ओमान देश की एक लेखिका है जिनका नाम है जोखा अल हारथी। जोखा अल हारथी को इस साल द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया था इनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन आज का क्या है कि हाल ही में YSR अम्मा ओडी योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1,000। आप सभी लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की जो अपडेट है मिलती रहे। इसके अलावा जो हमारा नया चैनल है जिसका नाम है GS नेटवर्क, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी जो GK GS से रिलेटेड वीडियो हैं मिलते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।